Hi guys, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Guys, in this video we are going to discuss about the religious practices of the Vedic period. We are into the very very important topic, Vedic period. Our bahut hi mahatvapurn chapter hai ancient history ka. और यहां पर हमने अब तक कुछ जो हमने पिछले वीडियोस किए थे उसमें हमने सोसाइटी को देखा था बहुत डिटेल में, हमने पॉलिटिकल सिस्टम को देखा था, हमने इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को भी देखा था वैदिक पीरियड के. और अब हम आ गए हैं रिलीजियस पोर्शन में, यानी कि हम धर्म के बारे में जानेंगे वैदिक पीरियड के. इसको आप सांस्कृतिक जीवन भी कह सकते हैं अगर चाहें तो. इसका टाइटल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आप सांस्कृतिक जीवन भी कह सकते हैं क्योंकि धर्म को संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है. तो जब हम रिलीजन की बात करेंगे वैदिक पीरियड की, देखिए रिलीजन, ठीक है, तो जब हम रिलीजन की बात करते हैं किसकी, वैदिक पीरियड की, तो वैदिक पीरियड की रिलीजन की जब हम बात करेंगे तो ये जो टाइम पीरियड होगा ये 1500 to 600 BC का होगा, यानी कि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का समय होगा. वैदिक पीरियड का समय यही है. और वैदिक पीरियड चूंकि दो पार्ट में है, ठीक है, वैदिक पीरियड दो पार्ट में है. एक है ऋग्वैदिक पीरियड, RVP में लिखता हूं, ऋग्वैदिक पीरियड या EVP अर्ली वैदिक पीरियड, जिसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व यानी 1500 to 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक पीरियड LVP जिसे हम जिसका जो टाइम पीरियड है वो है फिर 1000 से 600 BC तक का, यानी 1000 टू 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का. देखिए 1500 से शुरू होता है, 600 पे खत्म होता है, यही है. इसको हमने दो पार्ट में बांटा, एक ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल या अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, या उत्तर वैदिक काल. ऋग्वैदिक काल का समय या पूर्व वैदिक काल का समय 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक पीरियड का समय जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का है. तो अब जो हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करनी है, आपने देखा होगा कि जब हमने इकोनॉमी किया या पॉलिटी किया या सोसाइटी को देखा तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने दो पार्ट में बांट के किया. और सबसे पहले हमने ऋग्वैदिक पीरियड या पूर्व वैदिक काल के उस पोर्शन को हमने देख लिया, ठीक है, उसको देखा. देखने के बाद जब हम उसके पूरे हर डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख गए फिर हम आ गए लेटर वैदिक पीरियड पे. और लेटर वैदिक पीरियड में जब हम आए तो हमने क्या किया कि इसको हमने अकेले नहीं देखा, इससे कंपेयर करते हुए इसको देखा, ठीक है. तो यहां भी हमारा पढ़ाई का तरीका वही होगा, सबसे पहले हम ऋग्वैदिक पीरियड या पूर्व वैदिक काल की बात करेंगे रिलीजन के मामले में, ठीक है. तो जब हम इसकी बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसको भी हम दो पार्ट में देखेंगे. कैसे, देखिए जो रिलीजन है ऋग्वैदिक पीरियड का उसका तो एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल पार्ट देखेंगे और दूसरा फैक्चुअल पार्ट देखेंगे, ठीक है. देखिए सबसे पहले हम ऋग्वैदिक से शुरुआत कर रहे हैं, ऋग्वैदिक पीरियड के रिलीजन को यानी धर्म को, धार्मिक व्यवस्था को, किस तरह से क्या तरीका था पूजा पाठ का, इन सब चीजों को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल में आएंगे और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम देख जाएंगे, ठीक है. अब जब डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे, इसको हम पूरा देख जाएंगे, फिर हम लेटर वैदिक पीरियड में आएंगे और फिर दोनों को कंपेयर करते हुए यहां पे हम इसको देखेंगे, ठीक है. अब तरीका भी वही है पढ़ने का कि जब हम लेटर वैदिक पीरियड में आए तो इससे कंपेयर करते हुए पढ़े, सो दैट कि आप नोटिस कर सके चेंजेस को भी और निरंतरता को भी, ठीक है. हर टॉपिक्स को मैंने इसमें वैसे ही पढ़ाया है, इकोनॉमी को, सोसाइटी को, पॉलिटिकल सिस्टम को वैसे ही पढ़ाया है, तो वैसे ही आपको देखना है, ठीक है. अब यहां पर मैंने कहा कि ऋग्वैदिक पीरियड को में अगर हम देखेंगे तो दो पार्ट में इसको बांटेंगे, एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट और एक फैक्चुअल पार्ट, ठीक है. कॉन्सेप्चुअल पार्ट में देखिए, कॉन्सेप्चुअल पार्ट को भी हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बांटेंगे, ठीक है. कॉन्सेप्चुअल पार्ट आज क्या है कि आज हमारा जो पोर्शन होगा कॉन्सेप्चुअल पार्ट वाला पोर्शन होगा आज का वीडियो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्चुअल पार्ट को देखेंगे. अब यहां जो होगा कॉन्सेप्चुअल पार्ट में इसको भी हम कुछ
डिफरेंट सेगमेंट में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बांटेंगे, देखिए जब हम कॉन्सेप्चुअल पोर्शन की बात करेंगे तो यहां पर भी हम अलग अलग पोर्शन बांटेंगे, जैसे कि सोसाइटल इंफ्लुएंस क्या है, यानी कि समाज का क्या असर पड़ा। देखिए जैसा समाज होता है, अन्य गतिविधियां मैंने बार बार बताया है उसी तरह से नियंत्रित होती हैं, तो समाज का असर कैसे पड़ा। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि समाज के बाद जो सोसाइटल इन्फ्लुएंस क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि सोसाइटल इन्फ्लुएंस के बाद इसका टेंडेंसी क्या है, यहां का जो रिलीजन है ऋग वैदिक पीरियड का उसकी टेंडेंसी क्या है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति क्या है उसको देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि यहां के जो लोग पूजा कर रहे हैं ऋग वैदिक आर्यस जो पूजा पाठ कर रहे हैं उनका पर्पस क्या है पूजा पाठ का, और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या उनके पूजा करने का या वर्शिप करने का तरीका क्या है, वे ऑफ वर्शिप को। तो यहां पर ये देखेंगे, जैसे कि हम यहां पर कह लेंगे कि भाई अगर हम कुछ पॉइंट्स को बांट लें तो हम देखेंगे यहां पर इन्फ्लुएंस को देखेंगे। ठीक है, दूसरा पोर्शन अगर हम देखेंगे तो हम टेंडेंसी देखेंगे, मूल प्रवृत्ति क्या है वो हम देखेंगे टेंडेंसी, उसके बाद हम देखेंगे पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, और फिर हम देखेंगे कि वे ऑफ वर्शिप क्या है। ठीक है, अब देखिए आज का हमारा जो वीडियो है इसी पे कॉन्सेंट्रेट होगा। ठीक है, ये वीडियो आज का हमारा यहीं पे होगा। अगर हम फैक्चुअल की बात कर लें तो फैक्चुअल में देखिए हम जानेंगे देवी देवताओं के बारे में। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है देखिए यूपीएससी के लिहाज से बहुत ही जरूरी है, और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे इसको समझने का इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो पहले आज के वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, फैक्चुअल में तो हम देखिए देवी देवताओं को जानेंगे, यहां पर तो हम इंद्र को जानेंगे जो प्रमुख देवता है, हम जानेंगे फायर गॉड को यानी कि अग्नि को, हम जानेंगे वरुण को, ये कुछ प्रमुख देवता है। इसके अलावा जो अन्य देवता है उनके बारे में यहां सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया छोटा सा, क्योंकि तीन प्रमुख देवता थे इनको मैंने लिख दिया ऋग वैदिक काल में कि ये तीन प्रमुख देवता हैं। इसके अलावा भी अदर्स। तो इस तरह से हमारा जो है ऋग वैदिक पीरियड खत्म होगा, लेकिन आज का हमारा जो वीडियो होगा वो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन पे होगा जिसे हम अभी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब जो है ऋग वैदिक रिलीजन के जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट हैं उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और कॉन्सेप्ट बनाइए इसका। देखिए यूपीएससी यहीं से सवाल बनाएगा, मेन में भी सवाल बनाएगा और प्रीलिम्स में भी यूपीएससी इससे सवाल बनाएगा। यूपीएससी का फैक्चुअल से उसका थोड़ा कम लेना देना होता है। ठीक है, फैक्चुअल ऐसा नहीं कि नहीं आता लेकिन थोड़ा कम आता है, यूपीएससी कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल ज्यादा पूछता है। फैक्चुअल भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं। आप देखिए ऋग वैदिक रिलीजन के हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट को देख रहे हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल पार्ट को हम लोग देखेंगे और ये टाइम जो ऋग वैदिक पीरियड का होगा आप जानते हैं कि 1500 टू 1000 बीसी का होगा, ये हम पहले ही देख चुके। अब जो है हम इसमें जो डिफरेंट पॉइंट्स बना रहे थे तो देखिए इस पॉइंट्स को मैं यहां इन पॉइंट्स को जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको मैं यहां लिख देता हूं ताकि हमें आराम रहेगा डिस्कशन करने में। देखिए यहां पे ये पॉइंट मैं लिखता हूं। ठीक है, देखिए ये मैं यहां पे लिख देता हूं। पहला पॉइंट जो है मैंने कहा था सोसाइटल इन्फ्लुएंस, यानी समाज का क्या प्रभाव रिलीजन पे पड़ेगा। सबसे पहले हम यही देखना है क्या रिलेशन है समाज से,
यहां का जो रिलीजन है। देखिएगा बड़ा मजा आएगा इसमें, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते रहिएगा। दूसरा पॉइंट जो होगा, दूसरा पॉइंट हमारा होगा टेंडेंसी, यानी हम मूल प्रवृत्ति की बात करेंगे, टेंडेंसी की बात करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो होगा वो होगा पर्पस की, वर्शिप का पर्पस क्या था, और चौथी बात हम करेंगे वे ऑफ वर्शिप। यहां पे हम इन एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए जो हम ये पॉइंट्स बनाते हैं ये खुद भी आप बना सकते हैं, ये कोई जरूरी कि मैंने ये पॉइंट लिखा तो आप यही रखोगे, आप अपने हिसाब से कुछ पॉइंट्स में बांट लो, जो बातें आज मैं बताऊंगा अपने हिसाब से, ऐसे बांटना चाहते हैं ऐसे बांट ले, अपने हिसाब से कुछ पॉइंट्स बनाना चाहते हैं पॉइंट्स बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे सोसाइटल इन्फ्लुएंस की, तो इन्हीं चार पॉइंट्स पे हमें बात करनी है, ठीक है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने आपको इकोनॉमी पढ़ाया, मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाया, मैंने आपको सोसाइटी पढ़ाया वैदिक पीरियड का, सब में मैंने क्या किया सोसाइटी से रिलेट किया। क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया था कि जो सोसाइटी होती है, हाँ, जिस तरह का समाज होगा, जिस तरह की सोसाइटी होगी, अन्य गतिविधियां उसी तरह से कंट्रोल की जाएंगी, वैसे ही नियंत्रित की जाएगी, यानी सोसाइटी जो है, समाज जो है, सारी गतिविधियों को, चाहे वो आर्थिक गतिविधि हो यानी इकोनॉमी हो या पॉलिटी हो या रिलीजन हो, सबको समाज कंट्रोल करता है। तो मैं देखिए इसीलिए मैंने ये पॉइंट बनाया, तो मैंने ये बताया आपको, देखिए पहली बात कि जो यहां की सोसाइटी है ऋग्वैदिक सोसाइटी, ठीक है, तो ऋग्वैदिक सोसाइटी कैसी है, मैंने बताया था कि ट्राइबल सोसाइटी है, जनजातीय तत्व है यहां पर, ठीक है, मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था कि यहां पर देखिए कैसे इन्फ्लुएंस होगा रिलीजन से, मैंने क्या बताया था कि अलग अलग जनजातियां हैं और अलग अलग ये ट्राइबल ग्रुप या उसको कहें कि जनों में बटी हुई है। ट्राइबल ग्रुप क्या है, अनु है, द्रुहु है, भरत है, ठीक है, और पुरु है, तुर्वस है, हाँ, भलानस है, विषाणिन है, ठीक है, पक्त है। तो इसमें देखिए दोनों तरह के आर्य भी हैं, अनार्य भी है। ऋग्वैदिक समाज में आर्यों के भी ट्राइबल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कबीलाई समाज है, ट्राइबल स्ट्रक्चर आप लिख दीजिए स्ट्रक्चर, यानी हिंदी में हम इसको कहेंगे कबीलाई समाज, कबीलाई समाज है, ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि देखिए आर्य कई फेजेज में आए हिंदुस्तान में, अलग अलग ग्रुप बना के आए, तो जिस ग्रुप में आते गए उनका एक अलग नाम, उसके कुछ अनार्य यहां पे थे, नॉन आर्यंस थे, वो भी यहां पे रहे उसी समाज में। तो देखिए अनु है, द्रुहु है, भरत है, पुरु है, तुरु, ये सब आर्यों के कबीले हो गए, भलानी, स्विशानी, पक्त और भी बहुत सारे हैं। तो इस तरह का जो समाज है, आर्यन कबीले भी हैं, नॉन आर्यन कबीले भी हैं, यानी आर्यों की भी कबीले हैं और अनार्यों के भी कबीले हैं। तो ऋग्वैदिक समाज है कबीलाई समाज है, और कबीलाई समाज की का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि कबीलाई समाज जो होता है उसका जीवन जो होता है खासकर क्या होता है, वो होता है घुमक्कड़, ठीक है ना, पेस्टोरल लाइफ होता है। मैंने कहा ना कि सेमी नोमैडिक पेस्टोरल लाइफ इनका, ये सेमी नोमैडिक पेस्टोरल इनका लाइफ है, क्योंकि ये अस्थायी तो नहीं है। यहां पर पशुचारण, मैंने बताया था पशुचारण या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है किसी भी कबीलाई समाज का प्रमुख व्यवसाय होता है, मेन ऑक्यूपेशन होता है। मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, जब मैं कोई भी पोर्शन पढ़ा रहा हूंगा, इकोनॉमी पढ़ा रहा हूंगा, समाज पढ़ा रहा हूंगा, पॉलिटिक्स, सब में मैंने इन बातों को डिस्कस किया है कि कबीलाई समाज है तो यहां पर क्या है, यहां पर अस्थायी तो नहीं है, हाँ, स्टेबिलिटी नहीं है। जब स्टेबिलिटी नहीं है तो पशुचारण यहां का क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है वो प्रमुख ऑक्यूपेशन है, मेन ऑक्यूपेशन है। एग्रीकल्चर हो नहीं सकता क्योंकि यहां लैंड ही नहीं है, हाँ, यहां जनजातीय तत्व है, घुमक्कड़ जीवन है, तो किसी की निजी मिल्कियत नहीं है जमीन पे, तो लैंड की कोई बात ही नहीं है, तो लैंड नहीं है तो एग्रीकल्चर हो नहीं सकता, तो अस्थायित्व तो नहीं है, और अस्थायित्व तो नहीं है तो किसी भी ट्राइबल समाज की में जो इंपॉर्टेंस होता है, जो इंपॉर्टेंस होगा
इंपॉर्टेंस वो होगा किस चीज का भाई, नेचर का, यानी प्रकृति का। नेचर का मतलब प्रकृति का इंपॉर्टेंस होगा यहां पर। क्यों? कि इनका जीवन भुमक्कड़ है। हाँ, एक जगह विष एक शब्द आया है, विष मतलब बस्ती, एक जगह जाते हैं फिर जरूरत पड़ने पर दूसरी जगह जाएंगे, फिर जरूरत पड़ने पर तीसरी जगह जाएंगे, मतलब स्थायित्व तो नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इनका नेचर से ज्यादा है। कबीलाई समाज का लेना देना किससे होता है? नेचर से, क्योंकि यहां एग्रीकल्चर है ही नहीं, पशुओं को चराना है। एक जगह अगर मान लीजिए कुछ घास फूस है, एक जगह अगर खत्म हो गया तो दूसरे जगह चले जाएंगे। कुछ जंगली अगर वनस्पति है जिनको कि पशु खा रहे हैं, क्योंकि कबीलाई समाज में क्या था, पशुपालन है, और पशु हैं तो उनको खिलाना पिलाना है, खिलाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरे जगह उनको ले जाना पड़ेगा जहां वनस्पति होंगे, जहां तो एक जगह अगर लगेगा कि यहां नहीं है तो वहां चले जाते हैं, यहां नहीं है तो वहां चले जाते हैं, तो स्थायित्व तो नहीं आएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं है, पशुचारण है, तो प्रकृति से इनका लेना देना है। सब कुछ इनका पूरा होगा प्रकृति से, क्योंकि पशु ही इनके लिए प्रमुख है, और पशु प्रमुख है, और पशु का लेना देना प्रकृति से है, उनको खाना चाहिए प्रकृति से चाहिए। ठीक है ना, तो ये सब चीजें जो है तो नेचर से इनका लेना देना है। तो जब नेचर से लेना देना है तो इनमें क्या होगा कि देखिए कि ये वर्शिप करेंगे, इनका जो वर्शिप होगा पूजा पाठ होगा, ठीक है, कैसे होगा वर्शिप, किसका करेंगे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ नेचर, फॉर्म्स ऑफ नेचर, प्रकृति के विभिन्न रूपों को ये गॉड के रूप में देखेंगे, उन्हीं का पूजा पाठ करेंगे। ठीक है, जैसे कि इन्होंने क्या किया, बाढ़ देखा तो बाढ़ को देवता बना लिया, पहाड़ देखा पहाड़ को देवता बना लिया, कोई पेड़ गिर गया, ठीक है ना, पेड़ को देवता बना लिया। ठीक है, नदियों को देखा नदी को बना लिया, ठीक है ना, तूफान आ गया तूफान को देवता बना लिया, स्टॉर्म को, ठीक है, जंगलों को बना लिया, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकृति के रूपों को इन्होंने गॉड के रूप में, बारिश को बना लिया, सूर्य को बना लिया, तो इस तरह से प्रकृति के अलग अलग रूपों को इन्होंने पूजना शुरू किया। कॉन्सेप्ट देखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब इन्होंने वर्शिप करना शुरू किया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेचर, और कैसे किया, देखिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ नेचर को किया, तो नेचर ने का पहले तो इन्होंने किया कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेचर को पहले इन्होंने क्या किया कि दैवीकरण कर लिया। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ नेचर को मैंने कहा ना कि देवता बना लिया, बाढ़ का देवता बना लिया, पहाड़ का देवता बना लिया, नदियों की देवी बना ली, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने वो देवता बनाते चले गए, बाढ़ को देवता बना लिया, ठीक है ना, तो ये बारिश को देवता बना लिया, तो ये गॉड बना लिया, मतलब अब इसका जो किया क्या क्या किया, नेचर के विभिन्न रूपों का दैवीकरण इन्होंने किया, दैवीकरण। इसके लिए एक शब्द है अंग्रेजी में, इंग्लिश वाले लोगों के लिए मैं लिख देता हूं, दैवीकरण किया, यह शब्द होगा एपोथियोसिस, अवतार कहते हैं या दैवीकरण, एपोथियोसिस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस दैवीकरण का इन्होंने क्या किया, दैवीकरण का इन्होंने मानवीकरण कर दिया, ठीक है ना, मानवीकरण कर दिया, यानी कि इन्हें पर्सोनिफिकेशन कर दिया, समझ गए। देखिए समाज है कबीलाई, अस्थायी तो नहीं है, कबीलाई समाज में एग्रीकल्चर जो है, हाँ कृषि जो है, कभी भी मुख्य पेशा नहीं हो सकता, तो क्या होगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है, इस समाज में पशुचारण जो है या पशुपालन या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो भी कह लीजिए वो मुख्य ऑक्यूपेशन है, इसके लिए इन्हें अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है, अस्थायी तो नहीं है, घूमकर पशुओं को चराना पड़ेगा, तो नेचर से इनका लगाव ज्यादा होगा, और नेचर से जब लगाव होगा तो ये प्रकृति के यानी नेचर के विभिन्न स्वरूप को पूजना शुरू कर देंगे। और कैसे पूजेंगे, पहले तो प्रकृति के विभिन्न स्वरूप को, बाढ़ को, पहाड़ को, नदियों को, जंगलों को, ये इनका दैवीकरण कर देंगे। एक शब्द आप ध्यान दीजिए एपोथियोसिस,
और देवीकरण के बाद देवीकरण ही नहीं करेंगे, उसका मानवीकरण कर देंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, पशु के रूप में नहीं पूज रहे हैं, देवीकरण किया और देवीकरण का मानवीकरण कर दिया, यानी कि पशु के रूप में किसी को नहीं पूज रहे हैं, मानवीकरण यानी कि एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना की। मान लीजिए कि अगर वरुण है, वरुण देवता है, ठीक है ना, तो वरुण अगर है देवता, वरुण बनाया तो वरुण को इन्होंने पर्सनिफाई किया, ठीक है ना, वरुण को पर्सनिफाई किया, तो वरुण को अगर पर्सनिफाई किया, वरुण को एक देवता माना, ठीक है। मान लीजिए कोई फॉर्म है, जैसे कि इन्होंने अगर मान लीजिए कि थंडर है, झंझावत है, झंझावत बोलते हैं ना, थंडर बिजली कड़कना बारिश आने के पहले, या इंद्र है, उन्होंने पानी बरसा, तो पानी बरसा तो क्या हुआ, उन्होंने रेन को, तो इन्होंने रेन की पूजा करनी शुरू की। ऐसे ही पूजा नहीं की, रेन के लिए इन्होंने किया, क्या किया, इंद्र का देवीकरण किया, और देवीकरण कैसे किया, एक मानव के रूप में, हाँ एक मानव के रूप में उनकी कल्पना की, जिनके सिर है, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है, इस तरह से एक कल्पना की, यानी कि मानवीकरण कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से पूजा, इस तरह से अग्नि का, इसी तरह से वरुण का, तो अलग अलग ढंग से मानवीकरण किया गया, यानी कि एक निराकार यहां पे वर्शिप नहीं है, ठीक है ना, ये गॉड के साकार स्वरूप की यहां पे परिकल्पना है, अवधारणा है, ठीक है ना, साकार स्वरूप का है, निराकार पूजा नहीं है यहां। एक बात ध्यान दीजिएगा, भले ये बारिश की पूजा कर रहे हैं, निराकार नहीं है, उनको एक आकार दिया, ठीक है, स्टॉर्म की पूजा कर रहे हैं, थंडर की पूजा कर रहे हैं, उसको एक आकार दिया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। तो अगर हम देखें तो कौन कौन से स्वरूप की वो पूजा कर सकते हैं, ठीक है ना, एक तो ये होगी। दूसरी बात एक और समझने वाली है कि ये पूजा जो इन्होंने किया कैसे किया। देखिए, इस नेचर की जब पूजा की इन्होंने, तो ये पूजा दो तरीके से कर किया इन्होंने, या तो इन्होंने रेस्पेक्ट से किया, सम्मान में किया, ऑनर में किया, या फियर से किया, फियर से किया। बिजली चमका, बिजली कड़कने लगी, ठीक है ना, बारिश के पहले तूफान आ गया, डर गए, हो सकता है इनको लगा रहे कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो जाए, तो डर के कहा कि पूजा कर लो इनकी, कहीं खुश हो जाए, तो उनकी पूजा करने लगे, उनको एक गॉड का स्वरूप दे दिया और मानवीकरण कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे जब मानवीकरण हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, ये मैं मिटा के लिख रहा हूं यहां पर, जब मानवीकरण हुआ या पर्सनिफिकेशन हुआ, तो इसमें देखिएगा, इसमें दो तरह के गॉड होंगे, मेल गॉड भी होंगे और फीमेल गॉडेस भी होंगे, फीमेल गॉडेस या गॉडेस खाली लिख सकते हैं, गॉड और गॉडेस लिख सकते हैं, फीमेल गॉड या फीमेल गॉड लिख ले आप, कुछ भी लिख ले, देवता और देवी, फीमेल गॉड। अब इसमें जो है ना, यहां पर ऋग वैदिक पीरियड में मेल गॉड का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इन्हीं का जो है ये इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान दीजिएगा, फीमेल गॉड का, हाँ, या गॉडेसेस का इंपॉर्टेंस यहां पे ऋग वैदिक काल में नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। क्या क्या ध्यान देनी है, देखिए, कबीलाई समाज अस्थायित्व तो नहीं, इंपॉर्टेंस किसका, नेचर का एक सीक्वेंस बनाते जाइए। अब नेचर को ये वर्शिप करेंगे कैसे, डिफरेंट फॉर्म्स को, नेचर के डिफरेंट फॉर्म्स को ये वर्शिप करना शुरू करेंगे, पूजा करना शुरू करेंगे, उसका पहले देवीकरण करेंगे, उस देवीकरण करने के बाद उनको एक मानव का स्वरूप देंगे, एक आकार देंगे, साकार स्वरूप देंगे, मानवीकरण कर देंगे, अंग्रेजी वर्ड पर्सोनिफिकेशन कर देंगे, और तब उसकी पूजा करेंगे। और ये पूजा कैसे कर रहे हैं, या तो ये रेस्पेक्ट में कर रहे हैं या फिर फियर में कर रहे हैं। देखिए यहां पे मैंने टी छोड़ दिया है, कई बार ऐसा हो जाता है, ध्यान मत दीजिएगा, कई जगह पे हो सकता है छूट जाए, तो वो हो जाता है कई बार, मैं बोल तो रहा हूं। तो रेस्पेक्ट, या तो ऑनर में पूजा करेंगे या दर्द में पूजा करेंगे, कोई चीज अच्छा लग गया, हाँ, मान लीजिए कोई खूबसूरत चीज है, नदी की खूबसूरती अच्छी लग गई, तो उसके सम्मान में वो पूजा करने लगेंगे, कि मैंने बताया
बिजली कड़कने से डर पैदा हो गया, बाढ़ से डर पैदा हो गया, तो क्या होगा? डर से पूजा करने लगेंगे, ठीक है, भय से पूजा करने लगेंगे। इसलिए दोनों आस्पेक्ट को आपको ध्यान देना है। और यहां पे गॉड कौन कौन से होंगे मैं एक बार किन किन फॉर्म का, मतलब ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेचर, तो थोड़ा इसको भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि देखिए है क्या ना कि बहुत जल्दी मैं ना भी लिखूं तो काम चलेगा, पढ़ाकर मैं निकल जाऊं। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा लगता है कि क्लासेस लंबी हो रही है, लेकिन आपको पहले ही टाइम देना है। अगर पहले टाइम दे दिया बाद में कम टाइम लगेगा, पहले टाइम नहीं दिया बाद में टाइम लगता रह जाएगा और पुख्ता होगा भी नहीं। तो जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वर्शिप के, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं। तो डिफरेंट फॉर्म्स जो होंगे वो कैसे कैसे होंगे मैं लिख देता हूं इस तरह से। देखिए जैसे ये माउंटेन की पूजा करेंगे, माउंटेन की पूजा करेंगे, थंडर यानी कि झंझावत बिजली, मतलब ये झंझावत कहते हैं, एक वर्ड होता है जब तूफान बिजली सब होता है एक साथ, ठीक है ना। झंझावत अगर कहीं आ जाए हिंदी में तो उसको भी आप देख लेंगे। उसके बाद करेंगे स्टॉर्म, स्टॉर्म तूफान, रेन, ठीक है, फ्लड यानी कि बाढ़। उसके बाद आपको ट्री, कोई पेड़ गिर गया घर से पूजा करने लगे, कोई पेड़ अच्छा लग गया, कुछ अच्छा फल दे रहा है, खाने के लिए मिल रहा है तो सम्मान में पूजा करने लगेंगे ट्री, ठीक है। उसके बाद आपको क्लाउड, जिसको पार्जन्य कहते थे, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की देवी होती थी हिरंडनी देवी, ठीक है ना, तो बाद में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद यहां पे देखिए फॉरेस्ट के बाद आपको क्लाउड, बादल, जिसे ये बादलों को पारजन्य कहते थे, पारजन्य हिंदी में भी यही कहते, पारजन्य कहते थे। तो ये सब और भी फॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन ये प्रमुख फॉर्म है जिनकी वे पूजा किया करते थे। तो मेरे ख्याल से सोसाइटी का इन्फ्लुएंस कैसे चलता है, किस तरह से कबीलाई समाज ने जो धर्म है उसको नेचर से जोड़ दिया, प्रकृति से जोड़ दिया, तो ये इसीलिए मैंने पहला पॉइंट सोसाइटल इन्फ्लुएंस का बनाया, क्योंकि सोसाइटी ही नियंत्रित करती है किसी भी गतिविधि को। तो एक पहला पॉइंट हमारा जो है ये खत्म होता है यहां पर। फिर हम अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अब दूसरे पॉइंट पे, टेंडेंसी, मूल टेंडेंसी कह लीजिए, मूल प्रवृत्ति, ठीक है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं मूल प्रवृत्ति क्या है, ओरिजिनल टेंडेंसी कह दीजिए मूल प्रवृत्ति, ठीक है, इसको सामाजिक प्रभाव कह लीजिए धर्म पे, ठीक है। अब देखिए मूल प्रवृत्ति जो है यहां पर, अगर हम कहें तो यहां पर देखिए कि पॉलीथेइज्म यानी ये समाज जो है बहुदेववादी है, यानी बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती है। जैसे मैं बताऊं, गॉड्स ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष के देवता, ठीक है, गॉड्स ऑफ स्काई, आकाश के देवता, ठीक है, गॉड्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता, ठीक है। ये इस तरह से कुछ, सब पे हम लोग आगे अगले वीडियो में कुछ गॉड को भी जानेंगे, इंद्र वरुण और अग्नि के अलावा जो अदर गॉड है उनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन यहां चूंकि कॉन्सेप्चुअल पार्ट हमारा चल रहा है तो स्पेस यानी अंतरिक्ष के देवता आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं आकाश के देवता, ठीक है, और
यहां पे लिख देता हूं, पृथ्वी के देवता। इस तरह से आप, ठीक है, ये इसका और ये इसका। तो आप देखेंगे तीन तरह से पॉलीथेइज्म है। अगर मूल प्रवृत्ति पूछा जाए तो मूल प्रवृत्ति जो है यही है, बहुदेववादी है। लेकिन ठीक है, इसमें एक बात आपको जरूर जानना है कि मूल प्रवृत्ति तो इनका पॉलीथेइज्म का है, लेकिन कहीं ना कहीं, ठीक है ना, इन तीनों को लेते हुए मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इन तीनों को लेते हुए कहीं ना कहीं इनका जो है एकेश्वरवाद यानी कि मोनोथेइज्म में बिलीव है, मोनोथेइज्म यानी एकेश्वरवाद में विश्वास है कहीं ना कहीं। देखिए मोनोथेइज्म यानी कि एक गॉड, मोनो मीन्स एक, एक गॉड में। क्यों ऐसा है? क्योंकि ऋग्वेद में देखिएगा, ये ऋग्वेद में ऋग्वेदा में ये दिया हुआ है क्या, ट्रूथ इज ओनली वन, सत्य एक है, केवल सत्य केवल एक है, एक ही चीज सत्य है। इसके फॉर्म है लेकिन इस ट्रूथ के जो है वो डिफरेंट फॉर्म है। हाँ, अलग अलग स्वरूप है। अब देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर परीक्षा में आए कि मूल प्रवृत्ति क्या है, ठीक है, मूल प्रवृत्ति की अगर बात की जाए तो आपका आंसर पॉलीथेइज्म ही होगा, ठीक है, बहुदेववादी, बहुदेववादी है, क्योंकि डिफरेंट गॉड आप देख रहे हैं यहां पर, वो तो क्लियर है आपको, इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, उसके अलावा आगे देखेंगे आप और भी गॉड है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग आकाश के देवता, सूर्य के देवता, ऐसे पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, तो ये सब जो चीजें आप देख रहे हैं इससे आपको ये लग जाएगा कि बहुदेववादी तो है, लेकिन चूंकि ऋग्वेद में कहीं लिखा हुआ है एक जगह कि मोनोथेइज्म यानी एकेश्वरवाद की बात कैसे है, ये नहीं लिखा हुआ है, एकेश्वरवाद नहीं, ये लिखा हुआ है ट्रूथ इज ओनली वन, कॉन्सेप्ट की बात है, ट्रूथ इज ओनली वन यानी सच्चाई जो है, सत्य जो है सिर्फ एक है, और उसी के अलग अलग फॉर्म है, यानी ये जो देवी देवता है ये सच के ही, सत्य के ही अलग अलग स्वरूप है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एकेश्वरवाद में भी इनका बिलीव है, लेकिन जब भी एग्जाम में आएगा तो पॉलीथेइज्म अगर स्टेटमेंट बना के दे देता है कि समवेयर द ऋग्वेदिक पीपल, हाँ कहीं ना कहीं वो ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो ऋग्वैदिक लोगों को लोग जो थे उनको एकेश्वरवाद में भी विश्वास था, तो ये भी आंसर सही होगा। लेकिन अगर मूल प्रवृत्ति पूछा जाए तो मूल पॉलीथेइज्म है, आपका आंसर यही होगा। लेकिन अगर आ जाए कि भाई अगर स्टेटमेंट बना कर दे देता है तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मोनोथेइज्म जो है वो ऋग्वैदिक ऋग्वेद के अनुसार सत्य केवल एक है और उसी के डिफरेंट फॉर्म है ये, ठीक है। तो ये अगर स्टेटमेंट बनाकर दे देता है कि क्या ऋग्वैदिक लोगों की मूल प्रवृत्ति एकेश्वरवाद है, नहीं मूल प्रवृत्ति नहीं है, मूल प्रवृत्ति पॉलीथेइज्म है, बहुदेववादी है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं वो विश्वास करते हैं एकेश्वरवाद में, हां क्योंकि ट्रूथ जो है कहते हैं ऋग्वेद में कहीं ना कहीं लिखा, ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है कि ट्रूथ केवल एक है, सत्य एक है, उसके स्वरूप अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा मूल प्रवृत्ति जब पूछता है ओरिजिनल टेंडेंसी, तो आपको आंसर यही देना होगा, ठीक है। तो ये समझ गए एकेश्वरवाद की परिकल्पना क्या है, यानी मोनोथेइज्म की परिकल्पना क्या है और पॉलीथेइज्म की परिकल्पना क्या है ऋग्वेद में। देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे ना तो सब कुछ कंफ्यूज कर जाएंगे, सब लगेगा कि ये सारा आंसर सही है,
ठीक है ना, इसलिए कॉन्सेप्ट बनाते चलिए। तो ये पॉइंट भी हमारा खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट नाउ। चलिए देखिए, थर्ड पॉइंट पर्पस यानी उद्देश्य क्या था। हाँ देखिए, अब हम इसको जानेंगे। देखिए इनका जो उद्देश्य है, यहां से हम करना शुरू करते हैं, ठीक है। पूजा पाठ का इनका उद्देश्य, क्यों पूजा पाठ किया करते थे, ठीक है। देखिए तो इनका जो है पूजा पाठ का उद्देश्य जो था वो अहलौकिक था। मैं हिंदी में पहले लिखता हूं अहलौकिक, क्योंकि ये शब्द अहलौकिक का मतलब होता है, यानी कि मटेरियल हैप्पीनेस। हाँ, भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए। देखिए भौतिक सुख, अहलौकिक का मतलब एक चीज और समझिएगा, भौतिक सुख और किस तरह का भौतिक सुख, क्योंकि ये जो है जो वर्शिप में अपने वर्शिप में ये हैव डिजायर ऑफ बीइंग इमॉर्टल ठीक है ना, यानी कि ये अमरता की इच्छा करते हैं, अमरता की इच्छा करते हैं, ठीक है। देखिएगा अमरता की इच्छा, ये मरना नहीं चाहते, समझ लीजिए। यानी कि यहां क्या है, ये पूजा पाठ तो कर रहे हैं, उनका उद्देश्य है मटेरियल भौतिक सुख सुविधा इनको मिलती रहे। यहां पे प्रॉपर्टी गाय के रूप में देखी जा रही है, पशुधन के रूप में देखी जा रही है। मैंने आपको बताया था गाय बहुत महत्वपूर्ण जानवर है, उससे दूसरा महत्वपूर्ण जानवर घोड़ा है। यहाँ पे ऋग्वैदिक पीरियड में जब मैं पशुपालन पढ़ा रहा था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और वहां लड़ाइयां भी गायों के लिए हो रही है, जिसके पास जितनी गाय है वो उतना धनवान है। इसलिए जब यहाँ पूजा पाठ वर्शिप की जाती है तो एक पुत्र और 100 गायों की मांग की जाती है, इच्छा की जाती है। यहां पर जो है, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर लोग जब पूजा कर रहे हैं उनका पर्पस है क्या, हैव डिजायर ऑफ बीइंग इमॉर्टल, हम अमर रहे, हमें सारी सुविधा प्राप्त हो। यानी यहां मोक्ष की बात नहीं है। अगर हम कहें तो यहां पर मोक्ष, अगर हिंदी में कहें तो मोक्ष यानी सेल्वेशन की बात नहीं है। जब सेल्वेशन की बात ही नहीं है, यानी मरना हम नहीं चाहते, हम तो अमर होना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में एक शब्द दिया गया कि इनका जो ये जो प्रवृत्ति है, ये है एक तरह से इसको निवृत्त मार्गी, ये नहीं होना चाहते, ठीक है, निवृत्त मार्गी। हिंदी में ही लिखिएगा इसको, सेल्वेशन तो लिख ही दिया है, निवृत्त मार्गी, या निवृत्त मार्गी का मतलब ये मोक्ष नहीं चाहते। हाँ, ये जिंदा रहना चाहते हैं, अमरता में विश्वास करते हैं, इसलिए ये प्रवृत्त मार्गी है, प्रवृत्त मार्गी है, ठीक है ना। हिंदी वालों के लिए सेल्वेशन तो एक वर्ड आ गया मोक्ष के लिए। अगर ये मरना नहीं चाहते, ध्यान दीजिएगा, अहलौकिक जीवन में विश्वास करते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं मैटेरियल हैप्पीनेस के लिए, यानी कि मैटेरियल हैप्पीनेस को आप क्या कह देंगे, भौतिक सुख के लिए, सारी सुख सुविधाएं इनको मिले। उस समय गाय थी तो लोग पूजा पाठ करते थे, एक पुत्र 100 गाय हो जाए या 2 पुत्र 500 गाय मिल जाए इनको, इसकी पूजा होती थी। मरना अमरता की बात ये करते चाहते थे, इच्छा होती थी कि कभी ना मरे, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं थी। अब यहां समझिएगा कि अगर सेल्वेशन यानी मोक्ष की बात नहीं है तो पारलौकिक जीवन को भी की भी कोई बात नहीं है। हाँ, रीबर्थ यानी पुनर्जन्म की भी कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वर्ल्ड यानी कि पारलौकिक जीवन की कोई बात नहीं है। तो इसका भी ध्यान देना होगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि यहां रीबर्थ, ठीक है ना, रीबर्थ, नेक्स्ट वर्ल्ड, ठीक है ना, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी पारलौकिक जीवन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी स्वर्ग नरक का कोई मतलब ही नहीं है।
स्वर्ग की परिकल्पना नहीं है, नर्क की परिकल्पना नहीं है, अमरता की इच्छा है। तो अमरता की इच्छा है तो रिबर्थ नहीं चाह रहे, रिबर्थ की अवधारणा नहीं है, पारलौकिक जीवन की अवधारणा नहीं है, यानी स्वर्ग नर्क की अवधारणा नहीं है। तो ये सब जो है आपको यहां से कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर अब से पूछ लिया जाए कि क्या, देखिए कॉन्सेप्ट में क्या आ सकता है एग्जाम में, कि क्या ऋग वैदिक पीपल जो है वो दे बिलीव इन द इमोर्टल लाइफ, नो सॉरी मोर्टल लाइफ, नो, शरीर का नाश नहीं चाहते, मृत्यु नहीं चाहते ये लोग, ये इमोर्टल रहना चाहते हैं, मोर्टल नहीं होना चाहते। तो ये बात आपको कॉन्सेप्ट बना के पूछ देगा, ठीक है। क्या मोक्ष चाहते हैं, जब मरने में विश्वास नहीं है तो मोक्ष क्यों चाहेंगे। क्या स्वर्ग को जानते हैं या स्वर्ग की अवधारणा है, नहीं है, क्योंकि मरना ही नहीं चाहते, पुनर्जन्म नहीं होगा, नेक्स्ट वर्ल्ड की बात, पारलौकिक जीवन की बात नहीं होगी, तो आपको स्वर्ग नरक की बात भी नहीं होगी। तो इसको कॉन्सेप्चुअल इसका आइडिया आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी यहीं से सवाल बनाएगा, चाहे वो मेन पे बनाए चाहे वो पीटी में बनाए, बनाएगा, अगर बनाना होगा तो फैक्चुअल से कम बनाएगा, कॉन्सेप्चुअल से ज्यादा उसका सवाल होगा, ठीक है। तो आपको सवाल लिखने के लिए भी दे सकता है कि ऋग वैदिक पीपुल जो थे, ऋग वैदिक आर्य थे, वो शरीर की नश्वरता के बारे में क्या सोचते थे, एक सवाल बन जाए, कुछ भी दे सकता है। यूपीएससी में तो आप देखते हैं क्वेश्चन रिपीट होता नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको होगा तो आप बना लोगे। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मेटेरियल हैप्पीनेस चाहते थे, हाँ, उनका पर्पस क्या था, क्योंकि उनको मेटेरियल भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए वो चाहते थे, क्या खुश करना देवी देवताओं को, उनकी डिजायर क्या थी, कि वो अमर रहे, हाँ, इमोर्टल रहे, मोर्टल ना हो, अमरता, और अमरता की बात मतलब मोक्ष का, देखिए यहां पे कट लगाया हुआ है, यहां पे मैंने कट लगाया हुआ है, यहां पे भी लगा देता हूं, मोक्ष इनको नहीं चाहिए। अमरता की बात करेंगे तो सेलिब्रेशन की बात कहां से होगी, मुक्ति की बात कहां से, मुक्ति का मतलब शरीर से छुटकारा मिले, ठीक है। ये है, और रीबर्थ और पुनर्जन्म और नेक्स्ट वर्ल्ड का जो है ये कॉन्सेप्ट इनके पास नहीं है, इसकी अवधारणा यहां पर नहीं है। तो ये पॉइंट भी हमारा खत्म होता है। देखिए अब आज का जो आखिरी पॉइंट जो हमारा है वो है वे ऑफ वर्शिप, ठीक है। अब वे ऑफ वर्शिप जो होगा इसको हम देखिए, वे ऑफ वर्शिप, ठीक है। तो वे ऑफ वर्शिप में सबसे पहले ये स्तुति करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रेयर करेंगे, स्तुति करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो यहां पर नहीं है, समझिएगा। पहली बात कि इनकी, इनके पूजा पाठ का तरीका क्या होगा, स्तुति करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, ठीक है। अब देखिए आप जब लेटर वैदिक पीरियड में जाएंगे तो वहां मंत्रों के प्रोनंसिएशन यानी कि उच्चारण, यानी मंत्रों का उच्चारण जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। आप कहते हैं भाई ये बोल रहे हैं इस शब्द का उच्चारण सही नहीं है तो इसका इंपैक्ट गलत पड़ेगा, हम लोग बोलते हैं कई बार, तो उस समय ऐसा नहीं था, ये शब्दों के मायावी जाल में इनको नहीं, सिंपल थे, हाँ, अपना स्तुति कर लिया और पूजा पाठ कर लिया, ऐसा नहीं कि कभी कोई मंत्र अगर पढ़ रहे हैं और उसका उच्चारण अगर गलत हो गया तो उसके लिए बहुत सोच विचार करेंगे, ऐसा नहीं है, जो कि आगे चलकर ऋग वैदिक काल में हो जाएगा, क्योंकि सॉरी लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में हो जाएगा, अगर शब्द का उच्चारण गलत हो गया वो भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी वहां पे, अनर्थ हो जाएगा, अगर उच्चारण गलत हो गया, प्रोनंसिएशन गलत हो गया किसी मंत्र का तो अनर्थ हो जाएगा, ऐसा लोग सोचते थे उत्तर वैदिक काल में, यहां ऐसा नहीं है, यानी कि शब्दों के मायावी जाल में ये उलझने वाले लोग नहीं थे। चलिए मन से हमने पूजा कर दी, भाव है, उच्चारण थोड़ा गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, ये यहां पे इंपॉर्टेंस यहां पे लगा दिया है, नहीं है उच्चारण का इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पर यज्ञ यानी यज्ञ, यज्ञ यानी कि यज्ञ, यज्ञ होता है, लेकिन यज्ञ का जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, साधारण तरीके से होता है यज्ञ। यहां पर
वैसा यज्ञ नहीं होता जो उत्तर वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, हाँ, राजसूय यज्ञ जो राजा की प्रतिष्ठा को स्थापित करता है, हाँ, घोड़ा छोड़ दिया जाता है अश्वमेध यज्ञ में, जहां जहां से गुजर जाएगा, हाँ, वो क्षेत्र उस राजा का हो जाएगा जिसका वो घोड़ा होगा, और किसी ने पकड़ लिया तो फिर उसके साथ लड़ाई करनी है। तो ये बड़े बड़े यज्ञों का कोई प्रचलन नहीं था, यज्ञ होते थे लेकिन साधारण थे, ठीक है। उसके बाद यज्ञों पर कर्म कांडीय प्रभाव नहीं था, सेक्रीफाइस यानी बलि, सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस तो यहां भी होता था लेकिन जानवरों का नहीं होगा, जो चढ़ाया जाएगा ऑफरिंग्स जो होगा, ठीक है ना, वो किसका होगा, वो ऑफरिंग्स होगा, देखिए किसका होगा, बार्ली यानी कि जौ का, ठीक है, फ्रूट्स, ठीक है, फ्लावर, प्लांट्स, ठीक है ना, तमाम ऐसी चीजों का, हाँ, शाकाहारी चीजों को चढ़ाया जाएगा, इसको ये लोग बलि कहते थे, ठीक है। तो ये भी सेक्रीफाइस था, लेकिन यही सेक्रीफाइस का जब आप देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में, तो वहां पे पशुओं की बलि दी जाएगी, कई बार इंसानों की बलि भी दी जाएगी, ठीक है ना, वहां पर देखेंगे तो पशुओं की बलि दे दी जाएगी। तो वहां पे कर्म कांडीय प्रभाव ज्यादा है, यहां सिंपल है, कर्म कांडीय प्रभाव नहीं है। और एक चीज और जान लीजिए कि यहां पूजा जो कराएगा, जो पुरोहित होगा, पृष्ठ जो होगा, एक तरह से पृष्ठ, ये पृष्ठ जो होगा इसको होता या होत्री कहते थे, पहले भी मैंने लिखवाया हुआ है। तो ये जो प्रेयर टाइम का वे ऑफ वर्शिप था, बहुत सिंपल था, स्तुति करते थे, पूजा पाठ कर लेते थे साधारण तरीके से, मंत्रों के मायावी जाल में ये नहीं पड़ेंगे, प्रोनंसिएशन या उच्चारण का उतना महत्व नहीं है, भाव अगर मन में है, मैंने पूजा कर लिया, मैंने श्लोक पढ़ लिया, मन में भाव है, अगर उच्चारण थोड़ा गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं है, उत्तर वैदिक काल में उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए था, जब आप आगे जाएंगे तो वहां पे अनर्थ हो जाएगा, अरे भाई ये तो काल आ जाएगा, फेमिन आ जाएगा, काल आ जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें यहां नहीं है, ठीक है। यज्ञ हो रहा है साधारण तरीके से, कोई बड़ा यज्ञ नहीं है, सुमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, यज्ञ इसकी तरह, वाजपेय यज्ञ की तरह, ऐसा कुछ यज्ञ नहीं है, ठीक है। सेक्रीफाइस यानी बलि जो है, हाँ, वो किस तरह का है, शाकाहारी चीजों का दिया जा रहा है, हाँ, बार्ली का, जौ का, फ्रूट्स का, फलों का, फ्लावर का यानी फूलों का, प्लांट्स, वनस्पतियों का, तो इन सब चीजों की ऑफरिंग की जा रही है, इसी को बलि कहा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इनका पूजा पाठ का, कर्म कांडीय प्रभाव से मुक्त है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि कोई कर्म कांड यहां पे नहीं है, कोई छल कपट वाला पूजा नहीं है यहां पर, कोई मंत्रों के उच्चारण वाला जाल नहीं बुना जाता, कोई उच्चारण में शब्दों के मायावी जाल में ये लोग उलझ के अपने पूजा पाठ को अनर्थ नहीं मानते। तो ये चीज जो है ये बहुत जरूरी है समझना। और लास्ट में जो पृष्ठ है, जो पुरोहित है ऋग्वेदिक पीरियड का, वो होगा होता या होती, तो इसको आपको ध्यान देना है। तो अब यहां पर ऋग्वेदिक रिलीजन का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है फिनिश होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द फैक्चुअल पार्ट एंड देयर वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट गॉड्स लाइक इंद्र, लाइक अग्नि, लाइक वरुण, और इसके अलावा कुछ और भी गॉड है जिनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें लेनी होगी। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।